जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वैकेंसियां निकली हुई हैं और इनके बारे में हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाले हैं यहां पर कि JCA की वैकेंसियां निकली हुई हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए, टोटल 210 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। और यदि इसका पे स्केल, पे मैट्रिक्स, यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, HRA क्या रहेगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इन सभी बातों पर बिल्कुल हम फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात बता दूं मैं, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, पूरे इंडिया का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। यदि हम यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो 6 पे लेवल रहेगा यहाँ पर, और बेसिक पे यहाँ पर आपका 35,400 रुपये रहेगा, जो कि बहुत ही शानदार वाला बेसिक पे है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे और आपको HRA मिलेगा, ठीक है। अलाउंस HRA कितने मिलेंगे, अलाउंस कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर, इसके बारे में मैं एक फुल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं केवल और केवल JCA की सैलरी के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि इसका फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात तो एक नॉर्मल सी डिग्री चाहिए, वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। आपके पास केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, केवल एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपकी मिनिमम स्पीड, आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड है, इंग्लिश में मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी को होता है, नहीं है तो भी मिल जाएगा ये। अब यदि यहाँ पर हम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो एज है वो यहाँ पर 18 से 30 साल है, मिनिमम 18 साल एज है यहाँ पर और मैक्सिमम 30 साल की एज है यहाँ पर। बाकी जो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट है, एक्स सर्विस मैन है, इसके अलावा जो फिजिकली चेंजेड लोग हैं, उन सभी को यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको भी स्पेशल छूट दी गई है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल SC ST OBC को, जो अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ होती है या जो सेंटर के जो रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग है। अब यदि यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करूँ तो देखो, एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है यहाँ पर। अब यदि हम इसके बारे में बात करें, इसके पेपर के बारे में, कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, और जिसमें से एक क्या रहेगा आपका, कॉन्फ्रेंसन भी रहेगा, मतलब एक पैसेज भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर GK के रहेंगे, साथ ही साथ 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्यूटर के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 इंग्लिश के होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 25 आपके GK के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे, बेसिक कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अब यहाँ पर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक, ठीक है। आपकी यहाँ पर 3% मिस्टेक अलाउ की जाएगी, मतलब आपकी एक्यूरेसी 97% होनी चाहिए मिनिमम, और आपकी जो स्पीड है वो 97% एक्यूरेसी के साथ 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट तक आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें पैसेज होगा, प्रेसेस राइटिंग होगी या फिर ऐसे राइटिंग होगी, जैसे हम स्कूलों में नहीं लिखते थे, निबंध लिखते थे या फिर कोई नोटिस लिखवाते थे। 10वीं में नोटिस भी लिखना चालू हो गया था, निबंध लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, इसी तरीके से यहाँ पर कोई पैसेज लिखवा सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं, जो कि इंग्लिश में होगा। उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का टाइम होगा उसका, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखवाया जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड पैलेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका क्या, कंप्यूटर जो टेस्ट होगा, जो आपकी टाइपिंग होगी, वो इंग्लिश में होगी, साथ ही साथ वो डेट आगे डिसाइड कर दी जाएगी कि कब होगा। और इस तरीके से ये एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया था इसका।
और जब आपका यहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जैसे रिटन टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट हो जाएगा कंप्यूटर, और जो आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट हो जाएगा, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। इंटरव्यू के बाद में आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। फॉर्म फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है, OBC की 500 रुपये, बाकी SC ST कैंडिडेटों की यहाँ पर ओनली 250 रुपये फीस है। तो जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर फीस है 500 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर की यहाँ पर फीस है 250 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म फीस के बारे में था। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 18/6/2022 से लेकर 10/7/2022 तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे इसका जो जनरल नॉलेज था, जो आपको पता होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर बता दी, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात रही कि इसकी पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, अब कितनी जा सकती है, इसकी एग्जाम कब तक होगा, इसका सैलरी कितना मिलेगा, टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, तो इस तरीके से जो भी आपके डाउट्स हैं, इस तरीके के जो भी आपके तमाम क्वेश्चन हैं, उन सभी पर भी हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप हर एक नोटिस से अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।